शिवो शंकर, ठीक है, गौर से देखो। आज दिन तक आप क्या सुनते आए हैं? शिव शंकर कहते हैं, कहते हैं ना, दो नाम है शिव शंकर, दो नाम है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ये दो हो, है ना, पर एक साथ बोले तो ऐसा लगता है एक हो। जैसे हमारे स्कूल में ना दो दोस्त थे, उनका एक का नाम था अमित, एक का नाम था प्रवेश। तो टीचर जब भी बुलाता था ना उनको, वो चाचा भतीजे भी थे वैसे रिश्ते में, और उम्र में दोनों बराबर थे। तो टीचर जब भी बुलाते थे कहते अमित प्रवेश इधर आओ, तो वो जब भी बुलाते थे सर उनको ऐसे ही बुलाते थे, तो ऐसे लगने लगा था ये एक ही नाम है अमित प्रवेश, पर वास्तव में वो अलग थे। अब शिव शंकर आप बार बार बोलते हैं तो क्या लगने लगता है कि एक ही नाम है, एक ही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी बात है। पर वैसे अगर बताने चला तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो एक ही बात है, एक ही निकलेगी, बताऊं कैसे, पर उसे समझना जरूरी है, समझने की बात है। ऐसा कुछ नहीं है कोई हम अलग अलग कर रहे हैं इनको, या ऐसा करने से कोई बहुत कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन समझने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे मान के चलो भाई साहब आप एक आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं आप, और मैं आपको बुलाकर होमवर्क देता हूँ। क्या देता हूँ? होमवर्क देता हूँ। होमवर्क में मैं आपसे कहता हूँ कि भैया आप ना एक ऐसा चित्र बना कर लाओ जिसमें शांति और क्रोध का झगड़ा हो रहा हो, और शांति क्रोध को मार रही हो, खत्म कर रही हो, ऐसा चित्र बना कर लाओ। तो आप में कोई है जो ड्राइंग करता हो? कोई है? आप हैं तो आप सोचेंगे बैठ के, आप भी करती हैं, आप सोचेंगे तुरंत बैठ के, सोचेंगे ना कि ऐसा क्या बनाऊं, क्या बनाऊं जिससे मैसेज जाए कि शांति क्रोध का वध कर रही है, शांति क्रोध को मार रही है। करोगे ना? करोगे तो क्या बना सकते हो, क्या बनाओगे? हाँ तो लेकिन अरे वाह दिमाग लगा दिया, लेकिन चित्र चित्र बनाना है हमें। ऐसा आपको चित्र दिया गया आप बनाओ कि शांति क्रोध का वध कर रही है, समझ गए? क्योंकि आजकल सबके चित्त में कौन बैठा है? सबके अंतर मन के मैदान में क्रोध का राज है, वहां शांति का राज स्थापित करना है, इसलिए शांति को पहले क्रोध का वध करना पड़ेगा। अब बनाओ चित्र। अब तो मैंने हिंट भी दे दिया, एक मैदान बनाओगे, क्रोध को क्रोधासुर बना दोगे, शांति को शीतला देवी बना दोगे, देवी के हाथ में एक त्रिशूल दे दोगे, असुर नीचे पड़ा होगा, देवी ने पांव उठाकर यूं त्रिशूल उठाया होगा और साफ दिख रहा होगा कि क्रोध ऐसे कर रहा है गया मैं तो मर गया है ना, वो चित्र बन गया, बन गया ना। फिर इसी चित्र को आप उठाकर लाएंगे और अपनी दीवार पर हैंग करेंगे, मंदिर में रखेंगे, उसकी पूजा शुरू कर देते हैं कि शीतला देवी ने क्रोधासुर का वध किया, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या हुआ कि शांति ने क्रोध का वध किया, यहां होता है वो। ठीक वैसे ही परमात्मा शिव, कल बताया था निराकार है, यानी कि वो एक प्रकाश है, एक ज्योति है। जब वो आते हैं धरा पर, कभी तो आते ही हैं, तो जब वो आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, तो जो भी कुछ वो हमें सिखाते हैं, जो भी कुछ वो हमें बताते हैं, यानी कल एक चित्र आया था जिस इसमें क्या लिखा था, परमात्मा के गुण कर्तव्य सब है इसके अंदर, है ना। इसी को अभी देखो हम आपको बताएंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। अब आपको ड्रॉइंग करनी आती है ना, तो ये सारे पढ़ो और चित्र बना के लाओ, चित्र से पता चलना चाहिए कि ये सब परमात्मा ने किया है, परमात्मा के सारे गुण ये सारी शक्तियां चित्र से दिखाई देनी चाहिए, समझ आप समझेंगे, गुण कर्तव्य है उनके सारे। परमात्मा को कहते हैं, ये है परमात्मा शिव, परमात्मा को कहते हैं ज्ञान का सागर। परमात्मा आते हैं, हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं, ज्ञान का सागर हम आत्माओं को ज्ञान की गंगा बना देता है, क्लियर। अब इसको चित्र में कैसे दिखाएंगे, एक व्यक्ति की शेप बनाएंगे,
बुद्धि में ज्ञान होता है ना, तो बुद्धि के पास से ही गंगा बहती हुई दिखाई गई है, दिखाई गई है, बुद्धि के पास से ही गंगा बहती हुई दिखाई गई है। और कह दिया कि इसमें जो स्नान करेगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा। हमारा विवेक भी कहता है कि पानी में नहाने से तो पाप मुक्त नहीं हो सकते, अगर ऐसा होता तो आज इस धरती पे कोई पापी ना बचता, जाके गंगा जी में डुबकी मारता, पाप मुक्त हो जाता। क्योंकि हम सोचते हैं पाप शरीर ने किया, वास्तव में पाप तो आत्मा ने किया है। और गंगा जी किसको धोती है? शरीर को, आत्मा को नहीं, मन को नहीं धो सकती, राइट? है भाई, हाथ ने चाकू मारा, हाथ से चाकू मारा, पर हाथ ने थोड़ी ना चाकू मारा है। अगर मैं आत्मा शरीर में नहीं हूं, ले हाथ मार के दिखा दे चाकू किसी को, तो किसने मारा चाकू? ठीक है, तो स्नान की जरूरत किसको थी? कौन सी गंगा में? ज्ञान की गंगा में। वेरी गुड। तो ये परमात्मा आत्मा को ज्ञान की गंगा बना देता है, ठीक? क्योंकि नदियां सारी सागर से निकलती हैं, सागर में समा जाती है ना, ऐसी हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा से ज्ञान हमें आता है, सागर हमें गंगा बना देता है। ये बात क्लियर होगी सबको? चित्र बना पाओगे अभी? आज बना के लाना कल, ठीक? दूसरा क्या दिखा रखा है? परमात्मा शांति के सागर है, बता रहा हूं, गुण ध्यान देना, परमात्मा की ये गुण है। पहला आ गया ज्ञान का सागर, दूसरा वो शांति के सागर हैं, आते हैं हम आत्माओं को ज्ञान देकर शांत कर देते हैं, बताते हैं तुम शांत स्वरूप हो। इसलिए चित्र में चित्रकार ने दिखा दिया सर के ऊपर चंद्रमा, शीतलता का प्रतीक होता है। बन गया? आगे बढ़ो में क्या दिखा रखा है? तीसरा नेत्र, बड़ा जिक्र है इसका, बहुत बातें होती हैं इसके बारे में। ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। अब परमात्मा को कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर, ठीक है? उसी के सामने गाते भी हो, हे प्रभु मुझ नैन हीन को राह दिखाओ, कहते हो ना। अब नैन तो ये हैं, फिर हीन क्यों कहते हो खुद को? इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञान का नेत्र बंद है, तो प्रभु यानी ईश्वर हमें ज्ञान देकर हमारा ज्ञान का नेत्र खोल देते हैं। दिखा दिया तीसरा नेत्र। अब कहते हैं शंकर जी का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो विनाश हो जाता है, इस पर गौर करना कैसे होता होगा, सोचने की बात है। ये सारी साइंटिफिक बातें जरा ध्यान से सुनना, कैसे होता होगा? ऐसे होता है जब परमात्मा मुझे ज्ञान देते हैं, मेरा जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो मेरे अंदर से, बोलो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का विनाश हो जाता है। क्लियर हो गई बात? उसका विनाश हो जाता है। समझ में आई ये बात आपको? बस अब आगे आते हैं। तो जैसी तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार का विनाश हो गया। काम, क्रोध, मोह, लोभ से ही कलयुग बना है। जब यहां विनाश होगा ना, तो कलयुग का अपने आप ही अंत हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए शिव के साथ शंकर शब्द जुड़ता है, तो शिव के साथ रात्रि शब्द भी जुड़ता है, जुड़ता है। तो माना जब ये क्रिया होगी, आप जब इनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे, इनके द्वारा दिए ज्ञान के माध्यम से ये फॉर्म बनने का आप प्रयास करेंगे, बनने का प्रयत्न करेंगे, तो जीवन से रात्रि गायब होने लग जाएगी। इसलिए शिव के साथ रात्रि भी आता है। क्लियर हो रही है बात आपको? ये आ रही स्पष्ट है? हाँ बोलो। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी तो रात्रि पे वैसे मैं आऊंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जो शिव हमें बता रहे हैं वो जब हम बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की रात्रि गायब होने लगती है। तो शिव के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही तो हमारे जीवन की रात्रि गायब होने लगती है, और जब जीवन से रात्रि गायब होती है तो कलयुग गायब हो जाता है।
कलयुग को रात्रि कहा जाता है, रात्रि गई सवेरा आ जाएगा सतयुग, इसलिए परमात्मा को कहते हैं पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाला यानी अंधकार से सवेरे में ले जाने वाला यानी कलयुग को सतयुग बनाने वाला। क्लियर हो गई बात, अभी समझ में आई? गुड। फिर एक और चीज देखो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का विनाश हुआ। अब नीचे आ जाओ थोड़ा, गले के पास आओ, शंकर जी के गले के पास, शंकर जी के गले के पास आ जाओ। गले में क्या दिखाया गया है? सर्प दिखाया गया है। सर्प जहरीला होता है, नाग है जहरीला होता है, ठीक है। उसकी तुलना काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से की जाती है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जो मन में है, ये भी सांप की तरह ही है जो हमें हर क्षण अंदर ही अंदर डसते रहते हैं। इसलिए हमारे चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी। बाहर सब ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है जितना यहाँ बुरा दिखता है ना, जितना यहाँ दिखता है इतना बाहर नहीं है। कहते हैं ना, कहावत भी है, लाखों से नीचे हो ना तो करोड़ों से ऊपर भी हो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जीवन बदल के अपना भाग्य समझेंगे। जीवन अगर बदल लो आप उनसे, कि जो मेरे पास है वो तू मुझे दे दे और जो तेरे पास है मैं ले लेता हूँ, खुशी खुशी राजी हो जाएंगे और करोड़ों हो जाएंगे, हो जाएंगे ना, करोड़ हो जाएंगे। तो जो सर्प है इसकी तुलना की जाती है पांच विकारों से। ये अंदर ही अंदर हमें डसता रहता है। तो अभी बताया कि जब परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, तो विकारों का विनाश हो जाता है। तो विकार क्या हो गए फिर? ये सर्प को जीत लिया ना आपने, और जीत के क्या किया? जब जीतते हैं तो क्या होता है, गले में माला डाली जाती है ना, तो सांप को गले की माला बना दिया। माला ही है ना, कितना अच्छा लगता है गले में। घर में दिख जाए तो क्या होता है, हैं? यहाँ कितना प्यारा लग रहा है, गले की माला बना दिया। अब चित्रकार की चित्रकारी देखो कितनी जबरदस्त है। हमें बात कभी किसी ने समझाई नहीं, कोई बचपन में समझा देता ना तो आज शायद ये हाल ना होता जो आज हम लोगों का हुआ है। हमें किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं है बचपन से, बस इतना सिखाया जाओ सीधे जाकर लेट जाओ और गाओ मैं तो बहुत मरा पड़ा हूँ, मैं तो गिरा पड़ा हूँ, मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ आप ही के पास है, ना मेरे बस में कुछ है, जो कर दो आप ही कर दो। दोनों चीज कहते आए हैं कि कर्म से भाग्य बनता है, फिर ये भी कहते हैं जो किया उसने किया। आपके जीवन में थोड़ा कुछ गलत हो जाए, अच्छा हो जाए तो मैं नहीं किया है ना सर, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसने किया, कुछ बड़ा गड़बड़ हो जाए, जैसे मानो किसी का बच्चा शरीर छोड़ दे या किसी की वाइफ या हस्बैंड या कोई शरीर छोड़ दे या बिजनेस में लंबा चौड़ा नुकसान हो जाए तो उसने किया, और छोटा मोटा हो तो इसने किया इसने किया इसने किया। नीचे मनुष्य है ऊपर वो, मैंने कुछ नहीं किया। और जब बढ़िया कुछ किया वो सब मैंने किया। जब बढ़िया होता है तो वो लाइन याद करते हैं, कर्म से भाग्य बनता है ना, मेरे कर्म ही श्रेष्ठ है, मैंने किया। जब कुछ गड़बड़ हुआ तो उसने किया और इसने किया। वास्तव में सच्चाई ये है कि परमात्मा हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करते। सच्चाई यही है कि कर्म से भाग्य बनता है। ये कतई भी सच्चाई नहीं है कि भगवान हमारा भाग्य बनाता है। ये बात कौन कौन मानने को तैयार है? सब तैयार हो कि भगवान हमारा भाग्य नहीं बनाता? तो फिर वो क्या करता है? पहली बात, इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि भगवान हमारा भाग्य बैठकर नहीं लिखता, भगवान हमारा भाग्य नहीं बनाता। क्यों? उसका एक कारण है। अगर भाई साहब के दो बच्चे हैं तो भाई साहब दोनों बच्चों का भाग्य अगर इनके हाथ में लिखना हो तो इक्वल लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं लिख सकते। बाहर हम सारे भगवान के बच्चे हैं, एक फुटपाथ पे पड़ा है, एक महलों में जन्म ले रहा है, तो भगवान कैसा भाग्य लिख रहा है भाई? उसे फुटपाथ पे क्यों डाला, उसे महल में क्यों पहुंचा दिया? ये तो भगवान पक्षपात कर। तो भगवान भाग्य बैठकर नहीं लिखता, कर्म से भाग्य बनता है। और कर्म बनती है हमारी सोच से।
जैसा हमारी सोच वैसा हमारा कर्म वैसा हमारा भाग्य है। अब हम कहेंगे फिर भगवान का क्या रोल है? भगवान का रोल है हमारी सोच बदलना। हमने मोटे रूप से कह दिया वो हमारा भाग्य बनाता है, देखा जाए इनडायरेक्ट वे में तो भाग्य बनाने में वो पूरी मदद करता है हमारी। क्यों? वो हमारी सोच बदलने में मदद करता है, और सोच बदलती है ज्ञान से, तो हमें ज्ञान देता है, उसका रोल है ज्ञान देना। हम उससे कनेक्शन बनाएं तो शक्ति देना, शांति देना, प्यार देना, ये उसका रोल है। और उसका रोल ये नहीं है कि हमारा होमवर्क बैठ के करना। आपका बच्चा स्कूल से आके आपसे होमवर्क कराता है क्या? है ना, नहीं कराता ना, लेकिन आप मदद तो कर सकते हो ना उसकी। बस ऐसे ही वो हमारी मदद कर सकता है ज्ञान देकर। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे आप मत मानो उसकी, तो उसे फिर गाली क्यों देते हो? मानते नहीं हो उसकी, फिर उसको गाली देते हो कि तेरे कारण वज होगा। वो कहेगा तूने मानी मेरी, मैं कब से तुझे समझा रहा हूं और तेरे लिए ही तो मैं रात दिन घंटियां बजा रहा हूं। वो होता है मुझे मानना, पर वो मेरी मानना नहीं होता, वो मुझे मानना होता है पर मेरी मानना नहीं होता। मेरी तो अब मानोगे अगर ध्यान से समझोगे तो, वो भी ध्यान से समझोगे कि भगवान क्या कह रहा है तभी मान पाओगे। क्लियर हो रही है बातें? साफ साफ आ रही है मन में? स्पष्ट एकदम? अच्छे से खोल के बैठना, रात को भले ना सोई हो जाके सो जाना। क्या चित्र देखो? सर्प गले की माला बन गई, माला विकारों को जीत लिया। आगे क्या दिख रहा है चित्रकार का? देखो क्या है आगे, क्या दिखता है? बदन पे कोई कपड़ा नहीं है, हम उन्हें भगवान मानते हैं, वो तो दुनिया को देने वाला है, तो उसके पास भला कपड़े क्यों नहीं है? सोचने की बात है, कपड़े क्यों नहीं है भाई? ये कपड़े इसलिए नहीं है, परमात्मा ने हमें आके बताया कि तुम आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, अर्थात तुम ये कपड़ा नहीं हो, तुम इस कपड़े के अंदर एक निराकार फॉर्म में आत्मा हो। और फिर उसने हमें कहा कि तुम खुद को कपड़ा मत समझो, ऐसी तपस्या करो कि तुम ये कपड़ा नहीं हो, यानी तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये तपस्या शुरू करो। इसलिए तपस्वी फॉर्म में बैठे हुए, बदन पे कपड़ा नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे चलो, क्या दिखा रखा है? नीचे शेर की खाल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब सोचने की बात है, विचार करो, वो भगवान है, सब उनके बच्चे हैं, शेर भी उनका बच्चा ही हुआ ना, या नहीं होगा? कौन अपने बच्चे पे ऐसे बैठेगा मार के उसे? कुछ नहीं सोचते हम, क्यों बैठेगा अपने बच्चे पर वो ऐसे? अब बैठ जाएंगे अपने बच्चे पे? वो बच्चे पे बैठा है, उसी का बच्चा है ना, उसकी क्रिएशन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमात्मा हमें पवित्रता का ज्ञान देते हैं, वो पवित्रता का सागर है, वो हमें पवित्र बनाता है, और हम उस ज्ञान के आधार से अपने अंदर के वेग, आक्रोश, अहंकार, क्रोध को जीत कर आराम करने का आसन बना लेते हैं। इसलिए इसके लिए चित्रकार के मन में क्या होगा? ऐसा तो शेर होता है, तो शेर को मार के उनका आसन बना के दिखा दिया। समझ में आई ये बात आपको? इसलिए शेर नीचे दिखा रखा है। और ध्यान देना एक और गुह्य बात, ये शेर मरा हुआ नहीं है, आपने कभी चित्र में देखा हो तो, ये शेर की खाल फैली है लेकिन ये जीवित है। अब चित्र में देखना, ये मरा हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि परमात्मा हमें सिखाते हैं कि तुम्हें अभिमान को मारना नहीं है, देह अभिमान को देही अभिमान में बदल देना है, अभिमान को स्वयमान में बदल देना है। समझे? ये है परिवर्तन की बात थी बस। क्लियर हुई बात? तो ये यहां तक। आगे आपने देखा है शंकर जी के बाजू में त्रिशूल खड़ा है। त्रिशूल का मतलब होता है परमात्मा हमें तीन बिंदुओं का ज्ञान देते हैं। ध्यान से ना, एक बिंदी मैं आत्मा, दूसरी बिंदु स्वयं परमात्मा, और तीसरा बिंदु ड्रामा, जिसे मैं आगे कोर्स में आपको बताऊंगा कि समय के रास को अगर हम समझ लें तो कैसे हर बात में बिंदी मारते चले जाएंगे। बिंदी मतलब स्टॉप,
फंसेंगे नहीं उसमें जाके। तीन बिंदुओं का ज्ञान, और तीन बिंदु, और क्या तीन बिंदु, त्रिशूल का मतलब होता है आपको तीन काल का ज्ञान, जो अभी कोर्स होते होते आपको पूरा मिल जाएगा। तीन लोक का ज्ञान मिला, तीन लोक का कल, परलोक, सूक्ष्म लोक और साकार लोक, यानी ये पृथ्वी लोक है, ये है त्रिशूल का ज्ञान। समझ पाया? अच्छा आगे क्या दिखा रखा है, कुछ बचाया? हो गया सब, हो गया ना, हो गया ना। डमरू, ज्ञान का डमरू, कि जब परमात्मा मुझात्मा को ज्ञान स्वरूप बना देते हैं तो मैं ज्ञान का डमरू बजाता हूं, मतलब ज्ञान सुनाता हूं। जैसे अभी हम ज्ञान आपको दे रहे हैं तो ज्ञान का डमरू बज रहा है, तो कहते हैं ज्ञान का वो डमरू बजा के नाचते थे, यानी ज्ञान देने वाली आत्मा मन ही मन में अंदर अंदर क्या रहती है, हमेशा खुश। इसको कहते हैं ज्ञान डांस करना, ज्ञान नृत्य। फिर आप देखेंगे कि शंकर जी को कैलाश पर्वत पे बैठा दिखाया गया है, कहां? अब और सुनिए रास की बात, आपको हंसी भी आएगी सुन के। कैलाश दो शब्दों से मिलके बना है, कै माना क्या, कब, कौन, कैसे को शॉर्ट में कह दिया कै, समझे? और ये सब क्या, ये सब किस में आते हैं, क्या, कब, कौन, कैसे, प्रश्न में। जिसके मन में ढेर सारे प्रश्न होते हैं उसका चित्त शांत नहीं हो सकता, तो यहां पे क्या दिखाया गया, बड़े शांति से बैठे हुए हैं, तो मतलब क्या है, कै यानी क्या, कब, कौन, कैसे, कै की लाश बना दी, क्वेश्चंस की लाश बना दी, कै लाश। क्लियर हुई बात? और क्वेश्चंस इतने थे जब उनकी लाश बनाई तो पहाड़ बन गया, पहाड़ बना। फिर उनको नीचे रखा, अपने बैठे आराम से, क्वेश्चंस को नीचे, अब कोई प्रश्न नहीं, चित्त शांत। तो कोर्स करते करते आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, जब शांत होगा तो प्रभु में कैसे नहीं लगेगा, कहते हो ना, लगता नहीं है भाई जी, भगवान की याद नहीं, कहां से ठहरेगी, मन में तो ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, कैसे ठहरेगी। पहले प्रश्नों के पार जाया जाएगा, वो ज्ञान आपको पार करेगा, फिर देखिएगा अपने आप ही आराम से बैठता हूं योग लगता है। समझ में आया? क्लियर क्लैरिटी हो रही है सबको? तो शिव शंकर का भेद समझ में आ रहा है बेटा, पेंटर बेटा? हाँ, तो क्या करना है कि शिव ने ये बताया ना, शिव के गुण और शिव के कर्तव्य समझ में आए इस मूर्ति के माध्यम से, है ना। तो देखा जाए तो शंकर जी कोई और नहीं, जो शिव ने, शिव में गुण है, शिव के कर्तव्य हैं, उनको हमने इस फॉर्म में दिखाया है। तो देखा जाए अगर हम कहते हैं शिव शंकर तो कोई बात नहीं, कह भी सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, पर वास्तव में अलग इसलिए है कि ये आत्मा की बात हो रही है और ये परमात्मा की बात हो रही है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, यानी शंकर देवता हैं, और शिव के लिए कहते हैं परमात्माय नमः, यानी शिव परमात्मा हैं और शंकर देवता हैं। तो देवता तो आत्मा, जो हम साकार में आते हैं वही हो सकते हैं, है ना। बताया था ना उस दिन, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा, परमात्मा। तो देव आत्मा से लेकर नीचे तक सब शरीरधारी हैं, परमात्मा शरीरधारी नहीं है। तो शरीर वाले को हम देवता ही कह सकते हैं, परमात्मा नहीं कह सकते। तो यहां शरीर का फॉर्म दिखाया है ना, इसलिए उनको देवता ही कहते हैं, किंतु महादेव कहते हैं, यानी देवों में बड़े, ठीक है। क्योंकि ये बने बना, ये बने बिना आप कोई भी कुछ भी नहीं बन सकते, ये बने बिना आप अपनी आंतरिक शक्तियों को नहीं जगा सकते। सच बताऊं, वास्तव में हम सभी देवात्माएं हैं। कौन कौन मानते हैं हम सभी देवात्माएं, जरा हाथ उठाना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, अभी आपका कोर्स चल रहा है। देवात्मा स्वीकार करना तो बहुत बड़ी बात है भाई, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एक शब्द बोल रहा हूं, इसके बाद आप स्वीकार कर लोगे। जब आत्मा की बैटरी पूरी चार्ज होती है तब आत्मा कहलाती है देव आत्मा, यानी देने वाली आत्मा, समझ गए? देने वाले को कहते हैं देव आत्मा। जब आत्मा की बैटरी लुप छुप कर रही होती है
तो वो हो जाती है लेव आत्मा, लेने वाली आत्मा, समझ गए, लेवता देवता, ठीक है। तो देवता माना देने वाले, लेवता माना लेने वाले। तो आज हम कलयुग में है लेवता, तो हमसे कोई कह रहे हैं हम कौन कौन मानता है देव आत्मा है, जी कहां, हम तो बस ऐसी हैं धूल में तो पड़े हैं बस, हमें क्या। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे तो देव आत्मा होंगे ही, देने वाले होंगे ही। अब बताओ कौन कौन मानते हैं हम देव आत्मा है, उठाओ उठाओ, शर्मा क्यों रहे हो, मैं कोई आपके मजाक थोड़ी ना उड़ा रहा हूं बैठ के सामने है? आप हो, स्वीकार करो। देखो कितनी गहराई से हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है कि हमें ये कहने में कि मैं देव आत्मा हूं, कितनी इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं पता है आपको। जिस दिन ये हाथ झट से गर्व से उठने लग गया ना, हम देव कुल की आत्माएं हैं। देवताएं हमारे पूर्वज थे या नहीं थे? क्यों फिर श्री कृष्ण जी को पूछते हो, क्यों भी श्री राम जी को इतना मानते हो? वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज देव आत्मा थे ना, तो फिर तो हम क्यों नहीं है पूर्वज, मतलब हम जन्म। अब जैसे आपके दादाजी थे, जो अभी आपके दादाजी थे, आपके परदादा थे, कहां है वो? जन्म लेके आप ही के बीच में तो है। आपका कोई बेटा बन के आ जाता है, कोई बेटी बन के आ जाता है, आप ही के बीच में तो होता है। तो ऐसे ही हम, अगर हमारे पूर्वज देव आत्मा थे तो वो जन्म लेके वो भी तो ऐसे ही आएंगे ना, साइकिल तो चलेगी ना। जन्म मरण रहित तो एक परमात्मा ही है, बाकी तो सबने जन्म मरण में नीचे आना ही है। क्योंकि मैं भी क्रोध में हूं। एक्चुअल में क्या है बेटा, अब वो क्रोध में नहीं रहते हैं। नहीं नहीं बोलने दो, कोई बात क्या हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे भांग की बात हम करते हैं, भांग के लिए कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसलिए भांग को ना खुद अपने हाथों से ही घोटा जाता है। सोचते हैं अपने हाथ से घोट के पियेंगे तो ज्यादा नशा चढ़ता है, पर इसका वास्तविक अर्थ है कि परमात्मा जो हमें ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान की भांग हमें देते हैं, उसे अंदर ही अंदर घोटना होता है, यानी उसका चिंतन करना होता है। उस चिंतन करने से हमें नशा चढ़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये भांग वाली बात को लेता हूं, आपने कभी देखा है आजकल गाड़ी के पीछे, कुछ गाड़ियां चल रही होती है उनके पीछे ना एक शंकर जी की फोटो लगी है, रिसेंट में आई है वो, तो उसमें ना शंकर जी ऐसे बैठे हुए हैं, यूं फुल एकदम स्टाइल में ऐसे करके बॉडी बॉडी दिखा रहे हैं और ऐसे सिगार पी रहे हैं करके, यूं देखा है, और धुआं फेंक रहे हैं, सिगार पी रहे हैं ना। अब आप तो जानते हैं कि शंकर जी ने सिगार तो नहीं पिए, आप जानते हैं ना ये बात। आप ये कहते हैं शंकर जी भांग पीते थे, शिगार तो नहीं पी शंकर जी, ये तो बात आप जानते हैं। लेकिन ये बात आप जानते हैं इसलिए आप उस फोटो को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर हमारी बुद्धि ज्यादा ही तमो प्रधान चली गई है तो हम उसे चुपचाप अपनी गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं। स्टाइलिश लग रहे हैं, सर सलमान खान टाइप लग रहे हैं, स्टाइलिश लग रहे हैं, इससे तो किसी हीरो का फोटो लगा, इनका ही लगा लेते हैं, देवता भी और हीरोगिरी भी दिखा रखी है, और हमारे पास स्टैंप भी होगा फिर कि हम भी जितने ऐब कर सके, जितने गुनाह कर सके कर ले, क्योंकि सिर्फ भगवान ही कर रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है कि हम ये भी जानते हैं, इसलिए हमारा विवेक कहता है नहीं ये इन्होंने, हाँ ये सिगार कब पिया है। लेकिन अगर मैं दो चार पीढ़ियों को, अब सोचो यहां से 50 साल बाद 100 साल बाद, वो तो बिल्कुल स्टैंप मार देंगे ना इस पर कि शंकर जी सिगार पीते थे। तो ऐसी बेटा भांग की भी कहीं से कहानी निकली है, ये भी किसी हमी बुद्धिमानों ने निकाली है कि वो भांग पीते थे। भांग पीने का मतलब है कि परमात्मा आत्मा को ज्ञान की भांग पिलाते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक देखा गया है कि जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, जब उस ज्ञान का हम चिंतन करते हैं, उनसे मेडिटेट करते हैं, तो हमारे ब्रेन से ना एंडोकैनोबिनॉइड्स निकलते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है, एंडोकैनोबिनॉइड्स ये निकलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आनंदामाइड। जब निकलता है ब्रेन से तो आनंदामाइड के निकलने पर हमारे संस्कारों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है।
नेगेटिव संस्कार खत्म होने लगते हैं, पॉजिटिव डेवलप होने लगते हैं। और एंडोकैनोबिनॉइड का मतलब है, कैनोबिनॉइड जो शब्द है ये कैनाबिस से लिया गया। कैनाबिस कहते हैं अफीम को, कैनाबिस कहते हैं अफीम को, अफीम खाने से नशा चढ़ता है। तो एंडोकैनोबिनॉइड मतलब जो हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के ज्ञान का चिंतन करते हैं, तो हमारे ब्रेन से नशीले हॉर्मोन्स निकलते हैं जो हमारे ब्रेन में फैल के बॉडी में फैलते हैं। पर इससे हमें कोई लॉस नहीं होता, इससे हमें फायदा होता है। पर उससे लॉस होता है जो बाहर से आप लेते हो, इससे हमें फायदा ही होता है। इसीलिए कहा गया है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपिकाओं से पूछो। ये लाइन यहां यूज की गई है कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, समझे। जब मेडिटेशन करोगे ना, थोड़ा सा बैठोगे, आपकी आवाज बदल जाएगी। मानो जैसे कोई कमेंट्री दे रहा हो, या आप योग में बैठे हैं, आपसे आके बोले सुनिए, तो जो आपकी आवाज निकलेगी ना, वो नशीली आवाज निकलेगी मेडिटेशन, क्योंकि ब्रेन में नशा चढ़ रहा है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो ये बात है।